डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बुधवार को प्रेसू नाम के आई ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। कंपनी का दावा था कि यह प्रेस बायोपिया यानी उम्र की वजह से कमजोर हुई नजदीक की नजर में फायदेमंद है। कंपनी का कहना था कि आई ड्रॉप के इस्तेमाल से चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने इस आई ड्रॉप को डॉक्टर की सलाह लेने की शर्त पर मंजूरी दी थी, लेकिन कंपनी पर आरोप है कि उसने बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रॉप खरीदने का प्रचार किया था। आपको बता दें कि आई ड्रॉप अक्टूबर में मार्केट में आने वाली थी। इसे मुंबई स्थित दवा निर्माता कंपनी एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। मामले में दवा कंपनी का कहना है कि प्रचार में किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दी गई है। डीसीजीआई ने इस दवा को अप्रूव किया था। हमने 234 पेशेंट पर इसका सफल टेस्ट किया है।